अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं बर्लिन और पोट्सडाम, जो जर्मनी में है, वन डे टूर के लिए ट्रैवल गाइड के साथ। तो गाइस हम बस में जा रहे हैं और मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा कि हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री बस में जा रहे हैं। तो गाइस हमारी बस निकलेगी क्राको से और पहुँचेगी रोस्लॉफ 2 बजे, लेकिन हम बहुत ही पहले आ गए थे, 12:48 को आ गए थे। तो हम वेट कर रहे हैं, दूसरे बसेस वगैरह जा रहे हैं, लेकिन हमारी बस आ ही नहीं रही है। ड्रीम्स डू कम ट्रू, मुझे जर्मनी को बहुत पहले से जाना था और फाइनली ये दिन आ गया है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। गाइस 2 घंटे वेट करने के बाद 1:58 को फाइनली हमारी बस आ गई। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पकड़ा बस का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी और बस में थोड़ा सा वार्म था। तो हम जाते ही सो गए, लेकिन गाइस पोट्सडाम आ गया है फाइनली। हमें बस स्टॉप पर बहुत सारे इंडियंस मिले, हम लोगों ने बहुत सारी बातें की और वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। तो गाइस ऑलमोस्ट पूरी बस इंडियन से भर के थी। तो गाइस बस में वार्म है, लेकिन जब आप बाहर जाओगे ना, बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, अनकंट्रोलेबल ठंडी है। आप हमने जैकेट्स, कार्डिगन्स और थर्मल वेयर पहना है, लेकिन फिर भी ठंडी नहीं रुक रही है। गाइस मुझे ये सिटी रोस्लॉफ से बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगा, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो गाइस हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, हमें बस में ही दे दिया गया था फ्रूट्स और क्रोसांट और जूस वगैरह। तो गाइस अब 7 बज रहे हैं, बहुत ज़्यादा विंडी है और बारिश भी पड़ रही है। ये सिटी बहुत ही डिफरेंट है और आई गेस ये सिटी का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खूबसूरत पार्ट इसके स्ट्रीट्स हैं। मुझे पता नहीं मैं ये सिटी के ब्यूटी को कैसे डिस्क्राइब करूँ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो गाइस ये पोट्सडाम में पहला टूरिस्ट स्पॉट है, तो आप जैसे कि देख सकते हो सामने वो म्यूज़ियम बारबेरिनी है। गाइस अब हमारे गाइड ये जगह के बारे में बोलेंगे। On the surface, you can see it was used to be emperor's or ruler's pictures, but now it's the architect's pictures. And this one is the old city hall. तो गाइस उन्होंने हमें ओल्ड सिटी हॉल, पोट्सडाम म्यूजियम के बारे में बताया और उन्होंने ये भी कहा कि एम्पायर अलेक्जेंडर के वो लग्जर ओबेलिक्स में जो वहाँ पर पिक्चर्स हुए करते थे, लेकिन अब आर्किटेक्चर है। तो गाइस आप देख सकते हो कितना प्लेजेंट वेदर है और बहुत अच्छे स्ट्रीट्स हैं। जर्मनी और पोलैंड में ऑटम सीजन चल रहा है और पूरे लीव्स ऑरेंज हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। गाइस मुझे कॉबलस्टोन स्ट्रीट बहुत पसंद है। तो गाइस जो मज़ा आपको चलते हुए, वॉक करते हुए पूरे सिटी को एक्सप्लोर करने में आता है, वो मज़ा आपको कार में जो है एक्सप्लोर करते हुए नहीं आता। तो गाइस दूसरा टूरिस्ट स्पॉट है और ये कैथोलिक चर्च है और मैं इसका नाम लिख दूँगी। तो गाइस इसके स्ट्रीट्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और वहाँ पर एक सेमेटरी है, ग्रेवयार्ड है इसके बगल में ही। गाइस मुझे ऑटम का सीज़न बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो गाइस ये पोट्सडाम का बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, इसे कहते हैं टच क्वार्टर। ये पोट्सडाम का नेबरहुड है जहाँ पर एग्जैक्टली 134 टू स्टोरी ब्रिक हाउसेस हैं। ये हाउसेस को एक डच इमिग्रेंट आर्किटेक्ट जैन बोमेन ने बनाया था 1734 और 1742 के बीच। यहाँ पर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट शॉप्स, गैलरीज और कैफेज, म्यूजियम्स मिल जाएंगे।
गाइस मुझे डच क्वार्टर बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग लगा। सो गाइस ये है वन ऑफ द थ्री प्रिजर्व्ड गेट्स ऑफ पोट्सडम और इसे नाउनार टोर कहते हैं और नाउन गेट भी बोल सकते हैं। आई होप कि मैं इसे करेक्टली प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो गाइस बहुत ही अजीब अजीब नाम है। तो गाइस अब हम दूसरा टूरिस्ट स्पॉट जा रहे हैं। सब कुछ चॉकलेट से बना हुआ है गाइस। तो गाइस यहाँ पर वेजिटेबल का और फ्रूट्स का मार्केट लगा हुआ है। और गाइस यहाँ पर डिजाइनर क्लोथ्स के बहुत सारे शॉप्स हैं। और गाइस यहाँ पर बहुत सारे कैफेज और रेस्टोरेंट्स हैं। गाइज ये एरिया भी बहुत फेमस है पोट्सडम में क्योंकि यहाँ पर एक हिस्टोरिक लैंडमार्क है। यहाँ पर पोट्सडम का गेट है ब्रैंडनबर्ग गेट। तो गाइज ये यहाँ पर एक बेल है जिसमें बहुत ही अच्छा साउंड आया लेकिन मैं वो टाइम पर रिकॉर्ड नहीं कर पाई, आई एम सॉरी। तो गाइज अब हम जाएंगे डैम। सो गाइज यही रास्ता जाता है डैम को और पोट्सडम में हर एक जगह हर एक टूरिस्ट स्पॉट बहुत ही ज़्यादा एकदम अनोखी और बहुत ही यूनिक है। यहाँ पर कुछ आर्किटेक्चर बनाया हुआ है गाइस। तो गाइस हम फाइनली डैम को पहुंच गए हैं और हर टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह डैम भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। गाइस हम म्यूजियम्स और एग्जीबिशंस को अंदर से एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बाहर से कर ले रहे हैं क्योंकि हमें 11:30 को पोट्सडम से बर्लिन जाना है। बहुत बड़े बड़े डैम के पास ही सैंसेसी पैलेस है जो कि एक बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग है पोट्सडम में। ये पैलेस एक प्रशियन किंग फ्रेडरिक द ग्रेट ने बनाया था अपना समर पैलेस कह के। इसे 1745 और 1747 के बीच जॉर्ज वेंडिसलॉस वॉन नोबल्सडॉर्फ ने बनाया था। किंग फ्रेडरिक की ये पैलेस के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी कि उन्होंने कहा था कि ये जगह ऐसी है जो उनके साथ ही मरेगी। लेकिन कुछ साइट की डिसएग्रीमेंट की वजह से उन्होंने नोबल्सडॉर्फ को 1746 में फायर कर दिया
और एक डच आर्किटेक्ट जेन बोमेन, जिसने डच क्वार्टर को बनाया है, उनको हायर कर लिया और उन्होंने ही ये पूरा प्रोजेक्ट पैलेस का कंप्लीट किया। बहुत सारे आर्किटेक्चर्स ये पैलेस को सराउंड करते हैं। गाइस, मैंने जो भी आपको बताया वो ही हमारे गाइड ने भी बोला, और उनको बहुत ही ज़्यादा फिलॉसफी और आर्ट में इंटरेस्ट था। पैलेस में बहुत सारे रूम्स हैं और एक लाइब्रेरी है जहाँ पर 2200 बुक्स हैं, बुक्स जो ओरिजिनली सिटी पैलेस से आए थे, और इस रूम में सिर्फ फ्रेडरिक द ग्रेट को ही अलाउ किया गया था। आप अंदर भी जा सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो पूरे पैलेस को, लेकिन लिमिटेड टाइम होने की वजह से हम अंदर नहीं जा पाए। पोट्सडैम कासल्स और पैलेसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है, और पोट्सडैम में 17 पैलेसेस हैं और यहाँ पर बहुत सारे आर्किटेक्चर्स हैं। तो गाइस, अब हम जा रहे हैं एक हिस्टोरिक विंडमिल देखने के लिए। इसे भी प्रशियन किंग फ्रेडरिक विलियम ने परमिशन दी थी कंस्ट्रक्ट करने के लिए। हमारा पोट्सडैम का ट्रिप हो गया है और अब हम जाएंगे बर्लिन।